मनु तेवतिया, बीजेपी विधायक चैंपियन की दबंग गई। चैंपियन का बीजेपी से जाना तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, पार्टी हाईकमान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सबसे पहले न्यूज 18 ने चैंपियन का वीडियो दिखाया था। वीडियो में चैंपियन पिस्टल बंदूक के साथ नाचते दिख रहा है। अभी भाजपा से 3 महीने के लिए सस्पेंड है चैंपियन। अपर्णब सिंह चैंपियन को भाजपा ने किया स्थायी निलंबित। तो ये खबर हमने सबसे पहले आपको दिखाई थी, न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। अब माना जा रहा है कि चैंपियन की छुट्टी हो सकती है बीजेपी से। तो देहरादून में कार नंबर का ऑक्शन, आरटीओ ने UK07 डीएन सीरीज का ऑक्शन किया है। प्रणव ने वीआईपी नंबर की बोली लगाई। 0001 नंबर के लिए चैंपियन ने खर्च किए 55100 रुपए, यानी कि 5,51,000 रुपए। रजनी रावत ने खरीदा 1,13,000 रुपए में UK07AD007007 नंबर की लगी सबसे ज्यादा बोली। सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान फिर खुराफात की तमाम हदें पार कर देता है। अपनी हनक के आगे वो सबको बंदूक की जोर पर हांकना चाहता है। कुछ ऐसी कारस्तानी की है उत्तराखंड से निलंबित बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन ने। आपको दिखाते हैं कि बीजेपी से निलंबित विधायक प्रणव सिंह चैंपियन क्यों फिर से विवादों में आ गए हैं। हाथ में बंदूक, साथ में शराब का सुरू। सस्पेंड है ये MLA, फिर भी बाकी है गुरु। न डर है न शर्म है, बेशर्म विधायक का तमंचे पर डिस्को। इधर हिंदी फिल्मों का गाना बजा और उधर सस्पेंडेड विधायक ने सारी शर्म उतार फेंकी। हाथ में बंदूक और शराब से भरा जाम लेकर थिरकने लगा। नाम है प्रणव सिंह चैंपियन, फिलहाल बीजेपी से सस्पेंडेड है और आजकल खाली वक्त में शराब पीने और फिल्मी गानों पर ठुमके लगाने का काम करता है। फिल्मी गाने में माफी मांगी जा रही है और इधर सस्पेंडेड विधायक अपने मुंह से गालियों की फायरिंग कर रहा था। ये सस्पेंडेड विधायक शराब के नशे में थिरक रहा है। कभी हाथ में राइफल लेकर नाचने लगता है, कभी मुंह में पिस्टल दबाकर नाचने लगता है, कभी एक हाथ में दो दो पिस्टल और कभी एक हाथ में राइफल और एक हाथ में पिस्टल। सुरूर में झूम रहे सस्पेंडेड विधायक के साथ उसके गुर्गे भी पूरे मूड में नाच रहे हैं। सस्पेंडेड विधायक का ये डर्टी डांस लोगों के वोट से मिली ताकत का अवैध इस्तेमाल है और ये इस्तेमाल रोका जाना चाहिए। यही सस्पेंडेड विधायक कुछ दिन पहले जनता से वोट मांग रहा था, फिर विधायक बन गया। अब यही सस्पेंडेड विधायक उत्तराखंड के लिए भद्दी जबान का इस्तेमाल कर रहा है। यही सस्पेंडेड विधायक सवाल पूछने पर न्यूज 18 के पत्रकार राजीव तिवारी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इस सस्पेंडेड विधायक की पहचान कर लीजिए, इसका चाल चरित्र और चेहरा याद कर लीजिए और ठान लीजिए कि ऐसे लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा न बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। निलंबित विधायक प्रणव चैंपियन का वायरल वीडियो सामने आने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए बवाली विधायक के तेवर में कहीं से कोई कमी दिखाई नहीं दी। विधायक बेखौफ होकर कह रहे हैं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, शराब पीना कोई गुनाह नहीं है, लाइसेंसी बंदूक या रिवॉल्वर हवा में लहराना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता। ये वीडियो पुराना है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। ओल्ड वीडियो, पुराना वीडियो है, उस समय हम बीजेपी में भी नहीं आए थे और किसी का बर्थडे है मेरे ख्याल से हमारे जानकार का, जिसमें हम गए थे और फंक्शन खत्म हो जाने के बाद का पर्सनल जो कुछ लोग वहां के परिवार वाले हैं उनके साथ का वो शूट है। शूट ही कहेंगे, जब किसी ने वीडियो ले लिया हमें पता भी नहीं वो हो गया है। और उस समय कुछ एडिटिंग उसमें की गई है, जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है अपने राज्य के लिए, मैं कभी अपशब्द नहीं बोलता हूं, ये वास्तव में हमें फंसाने के लिए चाल चली गई है। 2 दिन पहले भाई साहब हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से
अपने विधानसभा क्षेत्र में सिडकुल की स्थापना का करा लिया था, उसका हमने वीडियो अपने फेसबुक पे पेज पे डाला था जो कई जगह पहुंचा। उसको देख करके हमारे विरोधी और हमारे डिट्रैक्टर्स जो हैं वो परेशान हो गए और कहीं से पुराना वीडियो डाल के, जैसे आपको मैं स्मरण कराना चाहूंगा, 2015 में जिला पंचायत चुनाव था हरिद्वार में, मेरी धर्मपत्नी लड़ रही थी तीसरी बार जिला पंचायत चुनाव। उसी दिन चुनाव के वोट पड़ने से दो दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि हम डांस कर रहे हैं, कहा गया कि किसी महिला लड़कियों के साथ हम डांस कर रहे हैं, जबकि मेरी खुद की धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी के साथ डांस कर रहे हैं चुनाव से ठीक दो दिन पहले, और वो वीडियो भी पुराना था, मेरे साले के बेटे के जन्मदिन का था। तो ठीक यही चीज की जा रही है, क्या बुराई है? अगर हथियार में गोली ना हो, अनलोडेड हथियार हैं, लाइसेंसी हथियार हैं, किसी को हमने डराया नहीं, कोई फायर नहीं की, कोई अनैतिक कार्य किया हो तो बता दीजिए, किस सेक्शन में मुकदमा करेंगे आप? विवादों वाले विधायक जी की करतूत नई नहीं है, अक्सर विवादों से इनका चोली दामन का साथ है। अपने ऊट पटांग हरकतों से ये हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। ये तस्वीर भी 3 से 4 साल पुरानी है। देखिए कैसे विधायक जी बार बाला पर नोट लुटा रहे हैं। जनता की फिक्र इन्हें भले ही ना हो, लेकिन हुस्न वालियों की कदर इन्हें जरूर है। तभी तो देखिए दिल खोलकर जनता की गाढ़ी कमाई कहीं और लुटा रहे हैं।